नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज गैरेज। खबर है रेमडेसिविर इंजेक्शन की। वर्धा जिले में कल दिनांक 6 तारीख से रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। ये प्रोडक्शन शुरू क्यों हुआ है ये आप सभी जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं हम उन्हें बताते हैं। प्रोडक्शन इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा आज से कुछ दिनों पहले ये ऐलान किया गया था कि विदर्भ में और महाराष्ट्र में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत हो रही है, उस किल्लत को दूर करने के लिए वो विदर्भ में ही प्लांट लगाएंगे, जिससे कि रोज 30,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन का पूर्ति किया जा सके। इस पूर्ति से ये होगा कि जो कालाबाजारी चल रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन की, जिसकी प्राइस लगभग 1600 रुपए से 2000 के आसपास रहती है, लेकिन मार्केट में ये रेमडेसिविर इंजेक्शन अभी 25,000 30,000 इस आंकड़े में मिल रहा है, लोगों को उपलब्ध हो पा रहा है। लेकिन इस प्लांट के लगने के बाद रोज की मात्रा में अगर देखें हम तो 30,000 इंजेक्शन रोज विदर्भ को मिलेंगे, और विदर्भ की पूर्ति पूरी होने के बाद ये इंजेक्शन महाराष्ट्र में भी सर्कुलेट किए जाएंगे, जिससे कि कालाबाजारी पर रोक लगेगी और लोगों को सही मूल्य पर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल पाएगा। नितिन गडकरी ने खुद जा करके जो जेनेटिक कंपनी है, जिस कंपनी को इसका प्लांट लगाने की अनुमति दी गई थी, काफ़ी मशक्कत किया गया इस कंपनी के प्लांट को वहां पर लगवाने के लिए, लेकिन आखिरकार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के इन प्रयासों को सफलता मिली है और 6 तारीख से उस प्लांट में रेमडेसिविर इंजेक्शन के प्लांट में वहां पर इंजेक्शन का प्रोडक्शन शुरू हो गया है, और आने वाले 2 से 3 दिनों में इस इंजेक्शन की पूर्ति पूरे विदर्भ में की जा सकेगी। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं उस प्लांट में और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वहां पर इंजेक्शन को बनाया जा रहा है, उसका प्रोडक्शन वहां पर किया जा रहा है, और उसके बाद नितिन गडकरी जी ने भी एक बयान दिया है, चलिए उस बयान को भी आपको सुनवाते हैं। जेनटेक लाइफ सायन्सेस प्राइवेट लिमिटेड मध्ये आज रेमडेसिविरचं प्रोडक्शन सुरू झालेलं आहे। हा आपल्या सगळ्यांकरता खूप आनंदाचा आणि समाधानाचा विषय आहे। मागील काही दिवसांमध्ये अनेक पेशंट या औषधाकरता तडफडत असलेले आणि त्यात लोकांमध्ये असणारी अस्वस्थता याचा अनुभव आपण सगळ्यांनी घेतलेला आहे। भारत सरकारने पहिल्यांदा देशात यांना अशी परवानगी मिळालेली आहे आणि आज त्यांचं प्रोडक्शन मला डोळ्यांनी बघायला मिळालं याचा मला मनापासून खूप आनंद आहे। विशेषतः याचं डिस्ट्रीब्युशन आपल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या थ्रू विदर्भातल्या सर्व जिल्ह्यात आणि नागपूर शहरात पहिल्यांदा करून मग महाराष्ट्रात देखील सगळ्या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न आहे, आणि त्यानंतर जिथेही देशात आवडेल ते जाईल। आपला काही आम्हालाच मिळालं पाहिजे असा आग्रह नाही आहे, पण निश्चितपणे वर्धा जिल्ह्यातला पहिले प्राथमिकता मिळेल। आणि जेव्हा या सगळ्या इंजेक्शनकरता आज जी मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता होती, ज्याकरता काही वेळा काही लोकांनी ब्लॅक मार्केट करायचा प्रयत्न केला, ती वेळ राहणार नाही। आणि हे गरीब गोरगरीब लोकांना रिझनेबल प्राईस जी सरकारने निश्चित केली आहे त्या प्राईजमध्ये उपलब्ध होईल। मी विशेषतः क्षीरसागर याचे जे प्रमुख आहेत याकरता खूप प्रयत्न करावे लागले आणि याच्यावर एक पुस्तक लिहिता येईल अशा प्रकारची अडचणी होत्या, पण त्यांनी जिद्दीने काम केलं। आणि विशेषतः माझे जे स्वीय सहाय्यक आहेत मंडलेकर, जे डेप्युटी फूड अँड ड्रगचे कमिशनर आहेत, त्यांनी पण याच्यात खूप परिश्रम घेतले। फूड अँड ड्रगच्या अधिकाऱ्यांनी खूप मदत केली, देशातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या अधिकाऱ्यांनी मदत केली, आपल्या केंद्र सरकारचे मंत्री आहेत आपले मनसुखभाई मांडवी आहेत, त्यांनी आम्हाला परवानगी देण्यामध्ये मदत केली। अनेक लोकांच्या सहकार्यामुळे आणि विशेषतः जी हैदराबादची कंपनी आहे, काय नाव त्यांनी, हेट्रो ही मल्टीनॅशनल कंपनी आहे, तिने विशेष करून यांना अनुमती दिली, यांनी सगळे स्टँडर्ड पूर्ण केले, त्याकरता लागणाऱ्या लॅबोरेटरीतले अनेक इक्विपमेंट घेतली। आज मी सगळं डोळ्यांनी बघितलं आतून, सगळ्यांना काही ते बघता येण्यासारखं नाही आहे, पण मला प्रत्यक्षात जेव्हा ते प्रत्येक इंजेक्शन तयार होत असताना जेव्हा बघायला मिळालं तेव्हा मला खूप आनंद झाला, समाधान झाला। आपल्या अनेक गोरगरीब लोकांच्या प्राणाचं रक्षण नक्की होईल। आणि ऑक्सिजनच्या बाबतीत देखील वर्धा जिल्ह्यात काही कमी राहणार नाही। आम्ही आता भिलाईवरून किंवा जे डायरेक्ट ट्रक आहेत ते इथे आणण्याबद्दलच्या सूचना दिलेल्या आहे। 20 टनची कॅपॅसिटी सेवाग्रामला आणि 20 टनची विनोवा भावे हॉस्पिटल मेघेसाहेबांचं जे आहे तिथे ते डायरेक्ट ऑक्सिजन मिळेल, आणि बाकी देवळीला स्टोअर करू। ऑक्सिजनचे सिलेंडर देखील आपण वाढवू त्याच्याकरता। आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विशेषतः व्हेंटिलेटर्स या जिल्ह्यातने विदर्भातल्या सगळ्या ठिकाणी आम्ही आणून वाटले आणि त्याच्यामध्ये बायपॅक आणि ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर पण आले। कालच आम्ही 250 वाटले, पुन्हा 500 येणार आहेत।
आता जगातून जिथून मिळेल तिथून आपण आणतो आहे। तर मी आत्ताच कलेक्टर मॅडमला अशी विनंती केली की तुमच्या ह्याच्यात जिथेही प्रायव्हेट डॉक्टर असो सरकारी असो याचा उपयोग होऊ शकतो असा तुम्हाला विश्वास वाटेल, तेवढे व्हेंटिलेटर तेवढे आपल्याला जेवढे तुम्ही सांगाल तेवढे मी सगळे त्यांना द्यायला तयार आहोत। फक्त त्याच्यात एकच आहे की त्याचा उपयोग झाला पाहिजे आणि म्हणून आम्ही मेघे हॉस्पिटललाही 10 व्हेंटिलेटर दिले, सेवाग्रामलाही 10 दिले, लागलं तर सगळ्याच गव्हर्नमेंटच्या हॉस्पिटललाही पण दिले आणि चामोर्शी एटापल्ली अहेरीपर्यंत हे ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर पोहोचवले आहेत, आष्टीपर्यंत चिमूरपर्यंत सगळ्या ठिकाणी गेलेली आहेत। तर अजून लागली तर देऊ, पण आपण सगळ्यांनी हिमतीने याचा आता प्रतिकार केला पाहिजे आणि परिस्थिती आव्हानात्मक आहे आणि हे एक संकट आहे, मोठं आहे आणि तिसरी वेव आता येऊ शकते ती लक्षात घेता आपल्याला यावेळच्या ज्या अडचणी आहेत त्या लक्षात घेऊन आपल्याला सगळी तयारी करून आता पूर्णपणे तयार राहायला पाहिजे। एकही माणसाचा मृत्यू ऑक्सिजन विना औषधाविना होता कामा नये याची दखल आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याने घेण्याचा सगळेजण प्रयत्न करत आहेत। महाराष्ट्र सरकार आणि भारत सरकार, आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री, सगळ्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री, सगळे डॉक्टर, सफाई कामगार, सिक्युरिटीवाले, पत्रकार सगळेच आपण जण या ह्याच्यात सगळेजण प्रयत्न करतो। सगळ्यांनी मास्क लावूनच आपला पुढे बाहेर निघावं, शक्यतोवर घराच्या बाहेर निघू नये, नंतर सॅनिटायझरचा उपयोग करावा आणि डिस्टन्स पाळावं आणि काळजी घ्यावी, आपण सगळ्यांनी सुरक्षित राहावं अशीच माझी आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा। ये कोविड की सेकंड वेव में रेमडेसिविर करके जो इंजेक्शन था इसकी बहुत शॉर्टेज था, जिसके कारण काफ़ी जगह अस्वस्थता हुई, ब्लैक मार्केट हुआ, अनेक लोगों को मिला नहीं, उनका मृत्यु हुआ। तो हम लोगों ने तय किया कि इसका विकल्प, इसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। ये पेटेंट प्रोडक्ट था इसलिए इसकी अनुमति मिलना कठिन थी, पर इसमें हैदराबाद की जो कंपनी है हेटेरो, उन कंपनियों ने अपने लिए यहाँ लाइसेंस इनको दिया क्योंकि वो पेटेंट है, और इसकी परमिशन लेते लेते बहुत अड़चनें आई। देश में पहली बार ये जेनेटेक को ही केवल अभी यशस्वी हुए हैं और इसलिए आज यहाँ प्रोडक्शन शुरू हुआ। मैंने अपने आँखों से देखा, अंदर तो सब लोग जा नहीं सकते, तो मुझे बहुत तसल्ली हुई। यहाँ 30,000 इंजेक्शन पर डे तैयार होंगे और विशेष रूप से हमारे जो जिलाधिकारी है उनके थ्रू ही हम लोग पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हर ज़िले में, और इसके बाद महाराष्ट्र के सब जिलों में भी जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ भेजेंगे और जिलाधिकारी के थ्रू इसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मुझे लगता है कि अब इसके इस इंजेक्शन के कारण किसी की मौत नहीं होगी, ये नहीं मिला करके ना इसके लिए कोई ब्लैक मार्केटिंग होगा, इसकी अवेलेबिलिटी होगी और जब सरप्लस होगा तो हम देश में भी हमारे लोगों के लिए जहाँ चाहिए वहाँ भी भेजने के लिए कोई हमारा उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये आज बहुत अच्छी तरीके से मुझे समाधान हुआ, ये नहीं होने वाला काम आज आंखों से देखने के लिए मिला है। मैं इसके जो जेनटेक का लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रोप्रेटर हैं श्री शिरसागर, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्राइवेट सचिव जो है मंडलेकर, जो डिप्टी कमिश्नर है फूड एंड ड्रग के, उन्होंने रात दिन मेहनत की, कितने फ़ोन लगाए, कितने परमिशंस के लिए गए, फूड एंड ड्रग के, महाराष्ट्र सरकार के, नागपुर के, वर्धा के सभी अधिकारियों ने बहुत मेहनत परिश्रम किए, और उसके बाद भारत सरकार में भी मनसुख भाई मांडविया जी और भारत सरकार के अधिकारियों ने भी हमको बहुत सहयोग किया। और बहुत कठिनाई के बाद, ये कभी कोई बोलता ही नहीं था ये होगा करके, पर आज असंभव बात हुई, तो ये मुझे बहुत खुशी है क्योंकि सब ने कहा था जब हम प्रयास कर रहे थे कि ये मुश्किल है, ये हो ही नहीं पाएगा। शिरसागर भी मुझे बता रहे थे कि ये कठिन है सर, ये बहुत कठिन है, थोड़ा ऐसा नहीं, हम कोशिश करेंगे, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये बात को सिद्ध हुआ और आज यशस्वी हुआ है और गरीब लोगों के लिए गवर्नमेंट के प्राइस में ये उपलब्ध होगा, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और मैं इसलिए जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनका सबका अभिनंदन करता हूँ। बस मुझे इतना ही कहना है। मैं कहीं उत्कृष्ट काम वगैरह कहीं करत नहीं है, देखो ये समाज में हम सबका काम है, मेरे से ज़्यादा काम करने वाले बहुत लोग हैं, हमारे पुलिस वाले, हमारे सफाई कामगार, हमारे कंपाउंडर, डॉक्टर, पैरामेडिकल फोर्सेस, हमारे सरकारी कर्मचारी जान में जोखिम लगाकर रात दिन काम कर रहे हैं, और हम भी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल कॉन्शियसनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका परिचय सबने देना चाहिए। इस समय जात पंथ धर्म भाषा सेक्स और पार्टी ये बीच में न लाते हुए हमने मानवता के आधार पर सबकी सेवा